हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ जलपरी की कहानी। रेमली नाम की एक जलपरी थी। वो जलपरी राजा की राजकन्या थी। रेमली प्रकृति की शोभा देखना बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो अक्सर जल से बाहर निकलकर प्रकृति की शोभा देखती थी। एक दिन अचानक समुद्र पर बहुत तेज तूफान आया। उस दिन एक राजकुमार अपने जहाज को लेकर अपने राज्य वापस लौट रहा था। अचानक एक बड़ी सी लहर आकर राजकुमार को समुद्र में गिरा दिया। ये क्या, एक इंसान पानी में डूब रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। रिमली राजकुमार को लेकर राजमहल चली गई। रिमली राजकुमार को एक ऑक्सीजन के बुलबुला के अंदर रख दिया। तुम कौन हो? तुमने आज मेरा जान बचाया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं रिमली, मैं एक जलपरी हूँ और जलपरी राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं समुद्र के राज्य की राजकुमार रुद्र। मैं कुछ महीने पहले राज्य से बाहर गया था पासी राज्य घूमने के लिए और आज अपने राज्य में वापस लौट रहा था। अचानक समुद्र में तेज तूफान आया और एक बड़ी सी लहर आकर मुझे जहाज से समुद्र में गिरा दिया और वहाँ से तुम मुझे यहाँ ले आए। रिमली को राजकुमार बहुत पसंद आया। वो अपने मन ही मन सोचने लगी, राजकुमार कितनी अच्छी तरह से बातें करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आए। पर राजकुमार तो एक इंसान है और मैं एक जलपरी हूँ। मैं तो जल के बाहर ज़्यादा देर तक सांस भी नहीं ले पाऊँगी और राजकुमार जल के अंदर जी नहीं पाएंगे। तो फिर एक जलपरी होकर एक इंसान को पसंद करके क्या होगा। उधर राजकुमार को भी रिमली बहुत पसंद आए। वो भी अपने मन ही मन सोचने लगा, राजकुमारी कितने अच्छे स्वभाव की है और दिखने में भी बहुत अच्छे है। इनके लिए तो मैं आज जिंदा हूँ। मुझे बहुत पसंद आए रिमली, अब तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा। तुम अभी चले जाओगे राजकुमार, पर तुम्हारी तबीयत तो अभी तक ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लो फिर जाना। हाँ, वापस तो मुझे लौटना ही पड़ेगा। अगर रह पाता तो सारी जिंदगी तुम्हारे पास ही रह जाता, पर ये तो असंभव है, मुझे तो लौटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर तुम चले जाओ, पर वादा करो कि तुम फिर से मुझसे मिलने आओगे। मैं वादा करता हूँ राजकुमारी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तब से राजकुमार अक्सर समुद्र के किनारे जाते थे रिमली से मिलने के लिए और रिमली भी राजकुमार से मिलने के लिए जल के ऊपर आया करती थी। रिमली, हम कब तक ऐसे रहेंगे? तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। पर राजकुमार, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम एक इंसान हो और मैं एक जलपरी हूँ, हम दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? हम कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं जाऊँगा। मैं जल के नीचे जाकर तुम्हारे साथ रहूँगा। उस दिन जिस तरह तुमने बुलबुला के अंदर मुझे रखा था, उसी तरह मैं रहूँगा। नहीं राजकुमार, बुलबुला के अंदर एक इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो फिर क्या और कोई रास्ता नहीं है? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम लोगों के जैसे हो जाऊंगा या फिर तुम इंसान बन जाओगी? ये मुझे नहीं पता,
पर हाँ, मुझे एक साधु के बारे में पता है। मैंने सुना है उन्हें बहुत कुछ पता है। तुम एक काम कर, तुम उनके पास से ले जाओ। ठीक है रिमली, मैं अभी जाऊंगा। वो कहाँ रहते हैं? यहाँ से पूरब में 10 माइल जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें एक आश्रम मिलेगा, वहीं पर वो साधु जी रहते हैं। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। उसके बाद राजकुमार उस साधु जी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। साधु जी, मेरा प्रणाम लीजिएगा। बोल, तू क्यों आया है मेरे पास? साधु जी, मैं एक जलपरी से प्यार करता हूँ। आप ऐसे कोई उपाय बताइए ताकि मैं जलपरी के जैसा या फिर जलपरी इंसान बन जाए। हाँ, मैं एक रास्ता बता सकता हूँ जिससे एक जलपरी इंसान बन जाएगा। ठीक है, अब बोलिए क्या करना होगा। इस दुनिया में एकमात्र एक ही फल है जिसे खाने से एक जलपरी इंसान बनेगा। पर साधु जी, वो फल कहाँ मिलेगा? वो फल जल के नीचे एक राक्षस के पास है, पर वो राक्षस कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता। रिमली, तुम कहाँ पर हो? यहाँ आओ, मैंने रास्ता पता कर लिया है। बोलो राजकुमार, कौन सा रास्ता पता चला तुम्हें? उन्होंने बताया कि जल के नीचे कोई राक्षस है, उसके पास एक फल है, उसे फल खाने से तुम जलपरी से इंसान बन जाओगी। वो राक्षस कहाँ रहता है? बोलो, मैं अभी जाऊंगी। वो राक्षस कहाँ रहता है वो तो साधु जी ने नहीं बता पाए, पर लिमली, तुम इस तरह एक राक्षस के पास अकेली मत जाओ। मैं तुम्हें अकेली जाने नहीं दूंगा। तुम इतने परेशान मत हो कुमार, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इस फल को जरूर लेकर आऊंगी, तुम इतनी चिंता मत करो। पर मुझे पता कैसे चलेगा वो राक्षस कहाँ रहता है? हाँ, एक कछुआ दादा है जिन्हें बहुत कुछ पता है। मैं उनके पास जाती हूँ, मुझे लगता है वो मुझे बता पाएंगे कि वो राक्षस कहाँ रहता है। उसके बाद रिमली उस कछुआ दादा के पास जाने लगी। दादा दादा, आपको पता है वो राक्षस कहाँ रहता है जिसके पास एक फल है, उस फल को खाने से मैं इंसान बन जाऊंगी? तुझे इंसान बनने की क्या जरूरत है? बोल मुझे, ऐसी शर्मा क्यों रही है? बोल, क्या बात है? मैं एक राजकुमार से प्यार करती हूँ, पर मैं तो इस तरह जलपरी बनकर जल के ऊपर जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं इंसान बनना चाहती हूँ। इंसान बन के मैं उस राजकुमार से शादी करूंगी। पर रिमली, वहाँ पर बहुत खतरा है, वो राक्षस जलपरी को देखने से ही खा लेता है। मत जा वहाँ पर, यहाँ से बहुत दूर है। दादा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस बताओ वो राक्षस कहाँ रहता है, मैं वहाँ से वो फल जरूर लेके आऊंगी। तो फिर सुन, यहाँ से दक्षिण में 20 माइल जाना होगा। वहाँ पर तुझे एक गुफा मिलेगा, उसी गुफा में वो राक्षस रहता है। पर पहले तुझे उस राक्षस को सुलाना होगा, जगह रहेगा तो तू वो फल ले ही ले पाएगी। ये ले, मैं तुझे एक जादुई दंड दे रहा हूँ, इसे किसी भी तरह उस राक्षस को छुआ देना, तभी वो राक्षस सो जाएगा। तुम बहुत अच्छे हो दादा, मैं अब जाऊं?
वहाँ एक गुफा दिख रहा है। लगता है मैं आ गई हूँ। उसी गुफा में राक्षस है। मुझे उस गुफा के अंदर जाना होगा। लगता है कोई जलपरी ही मेरी गुफा पर आई है। ऐसे ही सुगंध आ रहा है। बहुत भूख लगा है। आज खाना चलकर मेरे पास आ रहा है। अच्छे से खाना खाऊंगा। अरे राक्षस तो सामने खड़ा है। अब मैं क्या करूं? राक्षस को सुलाना पड़ेगा। किसी भी तरह इस राक्षस को इस जादुई दंड को छूना होगा। पर करूं क्या? तू कौन है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने खड़ा है? तुझे पता है मैं अभी तुझे खा लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे खा लेना। पर उससे पहले चलो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बातें करना चाहती हूँ। तू क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैं तुझे अभी खा लूंगा। अब क्या करूँ? वो राक्षस तो मेरे तरफ ही आ रहा है। हाँ, वो जब मेरे पास आ जाएगा, मैं ये जादुई दंड उसे उसके पास ले जाऊंगा और वो छू लेगा और उसी से वो सो जाएगा। उसके बाद मैं वो फल ले लूंगी। ये क्या हो गया? मुझे इतनी नींद क्यों आ रहा है? मुझे बहुत नींद आ रहा है। राक्षस सो गया है। अब मैं उस फल ढूंढूंगी। उसके बाद मैं इंसान बन जाऊंगी। उसके बाद रिमली वो फल ढूंढने लगी। कुछ ही देर में वहाँ पर एक फल है। जरूर वही फल है। वो फल मैं अभी खा लूंगी। उधर समंदर के किनारे राजकुमार रिमली के लिए इंतजार करता रहा। राजकुमार मैं आ गई हूँ। रिमली, तुम सच में इंसान बन गई? हाँ कुमार, मैं इंसान बन गई हूँ। अब हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद रिमली और राजकुमार की शादी हो गया और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।